हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज इस बार मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है। इस्लामाबाद में जितने भी शोरूम्स हैं जो कि न्यू कार्स लॉन्च हो रही हैं, उनकी मैंने एक चैलेंज वीडियो बनानी है। मैं अब देखता हूँ कि इस पर कितना उतरता हूँ और आप लोगों के लिए कितना ग्रेट कॉन्टेंट लेकर आता हूँ। अभी हम शोरूम के अंदर जाते हैं और अपनी सिनेमेटोग्राफी एंड फोटोग्राफी करते हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। उसके बाद हम इस गाड़ी का आपको वॉक अराउंड देंगे। ये गाड़ी है होंडा सेंटाफे और इसका बहुत ही प्यारा वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों ने सपोर्ट करना है, नहीं तो यहीं तक कहानी ख़त्म हो जानी है। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा कि नेक्स्ट हम किस शोरूम के अंदर जाएं, वो भी बताइएगा। तो साथ रहिएगा, एंजॉय कीजिए। जी भाई, अभी आपने इसकी सिनेमेटोग्राफी देखी, साथ में मैंने थोड़ा सा आपको वॉक अराउंड भी दिया है और अब हम ना थोड़ा सा डीपली जाते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो की देखें कितनी कोई प्यारी की है, ठीक है, और काफ़ी स्मार्ट सी डिज़ाइन दिया हुआ इसका। और कार की तरफ चलें तो कार भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब लगता है ऐसे ही है कि यार ये क्या रोबोटिक सीन आ गया, लेकिन ये ना काफ़ी बल्की एंड फैट सी लगती है। फ्रंट ग्रिल ही अगर आप देख लेना तो लाइट से बड़ी ग्रिल्स हैं, ठीक है, लाइट कितनी छोटी सी हैं। ऊपर आपको DRLs मिल रही हैं, नीचे आपको मिल रही हैं हेडलाइट्स, ठीक है। तो ये आजकल का न्यू ट्रेंड शुरू हो गया है। ये जनरल मोटर्स जो इंटरनेशनली लॉ होता है उसके मुताबिक अब गाड़ियों के बोनेट के ऊपर लाइट्स नहीं आएंगी, अब नीचे ही होंगी। ये चीज़ अब आपको नई से नई गाड़ियों के अंदर ये चीज़ मिलेगी, और ज़्यादातर SUVs की बात कर रहा हूँ। ग्रिल की तरफ आ जाए, ग्रिल काफ़ी प्यारी लग रही है और मैसिव है काफ़ी, ठीक है। अगर आप इसका फेस देखें ना तो सबसे ज़्यादा आपको ग्रिल ही नज़र आएगी, और इसी के अंदर आपको सेंटर में कैमरा भी नज़र आ रहा है। नीचे की तरफ आगे देख लें, एक्सटेंडेड किट जो है सेम कलर की दी हुई है, सिल्वर कलर के अंदर। और इसी तरह अब हम साइड पे चले जाएं तो यहाँ पे एयर वेंट्स दिए हैं जो कि आपके कार के डिस्क ब्रेक को कूल रखने के काम आते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ से एयर लेगी और इस व्हील से बाहर आ जाएगी। तो जो एरोडायनेमिक को समझते हैं वो चीज़ सही है, एग्री करेंगे। चलें अब आगे की तरफ चलते हैं जी, और यहाँ पर अगर आप देख लें साइड लुक इसकी काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। ये इन होंडा के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की पहली 7-सीटर बनती है जिसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी 150 मतलब कि 1.5 करोड़ तक की प्राइस बनती है, और 1.6 टर्बोचार्ज विद हाइब्रिड, ठीक है। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है जो कि इंजन की मैंने आपको बताई है, और विद ऑल व्हील ड्राइव। उसके अंदर काफ़ी मॉड्स भी हैं जो कि मैं अंदर बैठ के आपको दिखाऊँगा। तो बैक लुक भी अगर आप देख लें तो मुझे बैक लुक ना काफ़ी गाड़ियों से मिलती जुलती लग रही है, लाइक ऑडी और टोसॉन की थोड़ी सी लाइट को चौड़ा कर दिया है, उसी तरह ही लग रहा है। और यहाँ पे आपको अगर आप देखें तो पीछे रिफ्लेक्टर्स काफ़ी लंबे में मिलते हैं, और यहाँ पे भी ये लाइट पूरी और ऊपर भी ब्रेक लैंप दिया हुआ है। और ये स्पॉयलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा बाहर की तरफ आया हुआ है तो काफ़ी स्पोर्टी लुक आती है, और शार्क फिन एंटीना इसके साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो 7-सीटर के साथ मैं कहता हूँ कि काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। अगर आप हैवल H6 वगैरह बाई कर रहे हैं तो एक मरता ये ऑप्शन भी देख लेना, बिकॉज़ ये चाइनीज़ नहीं है, ये मेड इन कोरिया की है, ठीक है। तो कोरिया इज़ वेरी नाइस
और रिम्स की तरफ अगर आप चले जाएं तो मैं गलत नहीं होऊंगा, इसका रिम बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, ठीक है। तो इस रिम का साइज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, इस रिम इसका आता है 19 इंच का और इसके ऊपर जो टायर साइज़ है 235/55R19, ठीक है। आप इसका रिम साइज़ भी देखें और रिम की लुक भी देखें, काफ़ी प्रीमियम है। तो ये सारी है बाहर से लुक, अब हम इंटीरियर में चलते हैं। सबसे पहले तो आपको साइड मिरर्स दिखा दें, तो इसमें 360 कैमरा था जो कि मैं अंदर बैठ के आपको इसके मॉड्स दिखाऊंगा। तो अभी हम अंदर बैठते हैं, गाड़ी को अनलॉक करते हैं और ये चेक करें जी। सबसे पहले तो आप इंटीरियर की लुक देखें तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही स्पोर्टी लुक दी हुई है, ठीक है। स्पोर्ट्स सीट्स हैं इसके अंदर बकेट स्टाइल के अंदर, और मैं थोड़ा सा कैमरा मेन कर लूँ क्योंकि अभी मैं मोबाइल फ़ोन से बना रहा हूँ, क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। और ये चेक करें जी, बहुत ही प्यारी सीट्स हैं। और यहाँ पे अगर आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, हरमन कार्डन का इसके अंदर साउंड सिस्टम आता है, और ये है इसका डोर पैनल जैसा कि आप देख रहे हैं। आपको यहाँ पे कार्बन फाइबर की ट्रिम नज़र आएगी जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखें ग्लॉसी फिनिश के अंदर है, काफ़ी प्यारी लग रही है। और मेमोरी सीट्स भी दी हुई हैं, इलेक्ट्रिकल सीट्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। और अब हम अंदर बैठते हैं और आपको कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं उसको फॉलो अप करते हैं। सबसे पहले हम गाड़ी को स्टार्ट कर लें, और ये गाड़ी हम स्टार्ट कर ली है। और ये आपको मैं मज़े की चीज़ बताऊं, तो ये अभी हाइब्रिड के ऊपर स्टार्ट हुई है, इंजन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। अब मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें बताता हूं। सबसे पहले तो आप इसका डिस्प्ले देखें तो ये डिजिटल में आता है फुली, ठीक है। इसके अंदर आप अगर आप मॉड्स चेंज करें तो जिस समय मॉड्स की बात कर रहा था, ये वाहिद अभी क्रॉस ओवर है पाकिस्तान में जिसके अंदर आपको स्पोर्ट्स, स्मार्ट, इको और इसके बाद स्नो, ट्रेन और भी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं स्नो मड, ये स्नो आ गया, ठीक है, ये मड आ गया, सैंड आ गया, तो ये आपके ऑप्शन मिलती हैं। ट्रेन मोड और ये आपके ड्राइव मोड, इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड, और जिस तरह आप चेंज करेंगे मोड तो साथ में मीटर की लाइट्स भी चेंज हो जाएंगी, ये देख सकते हैं। तो इसके लिए ये चीज़ काफ़ी मज़े की है। और ये इसका गियर शिफ्टर मतलब कि जो स्विचेस के अंदर दिया, स्मार्ट इलेक्ट्रिक गियर से गियर बॉक्स दिया हुआ है, और इसको आप पैडल शिफ्टर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसका स्टेयरिंग एक मरतबा मैं आपको दिखा दूं, स्टेयरिंग काफ़ी स्पोर्टी दिया हुआ है, 3 स्पोक्स के अंदर है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल और बाकी ड्राइविंग मोड जो कि आप कॉल वगैरह सुननी हो तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल है, ठीक है। जैसा कि अभी आप इसको मैं नज़दीक से आपको दिखाऊँ तो इसके अंदर आप ड्राइवर एंड पैसेंजर अपने अपने टेम्परेचर खुद ही सेट कर सकते हैं सेपरेटली। और इसके अंदर एम्बियंट लाइट्स भी दी हुई हैं, ठीक है, इधर भी दी हैं और इस साइड पे भी दी हुई हैं, तो काफ़ी प्यारी लगती हैं जब गाड़ी के अंदर फुल अंधेरा और रात के टाइम, काफ़ी अच्छी ग्लो करती हैं। और आगे की तरफ चले जाएँ जी, ये आपको मिलेंगी हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट, जो कि ये देख सकते हैं वेंटिलेटेड ये हो गया, हीटेड ये हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा है। हमारे यहाँ पर वेदर दोनों हैं माशाल्लाह से पाकिस्तान में, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये देखें इंजन स्टार्ट हो गया, गाड़ी की बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये है, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्प्ले इसका काफ़ी मिनिमल सा दिया हुआ है लेकिन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है। लाइक इसके अंदर आप कैमरा को क्लिक करेंगे तो ये, अब कैमरा कहाँ से ऑन होगा मुझे, हाँ ये रहा, ठीक है। तो आप इसके कैमरे ऑन करेंगे तो यहाँ से आप इसके कोई भी एंगल देखना चाहें तो ईज़िली देख सकते हैं। कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, 360 मैंने आपको पहले बताया था। बाकी वॉल्यूम और इसका जो रेडियो मोड है वो आपने यहाँ से इन 2 डायल से आप चेंज कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ देख लें तो इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ आता है, ठीक है, और ये खुलता भी है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, इतना ये 50% ओपन हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर। और बैक साइड पे भी इसके एसी वेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उससे बैक पे भी दिए हैं। ये ड्यूल कंप्रेसर के साथ आती है, ड्यूल कंप्रेसर मींस कि इसके एक ही एसी पे लोड नहीं है, आपको सबसे लास्ट रो पे भी एसी मिल रहा है, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही थोड़ा सा सीन दिखा दिया था। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, तो आप ये स्टोरेज कंपार्टमेंट खोलें तो यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मिलेंगे, ये QI जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप मोबाइल सीधा रखेंगे तो ये वायरलेस चार्ज भी करना शुरू हो जाएगा। मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं करके दिखाता ज़रूर। और बाकी आप USB से भी चार्जिंग ले सकते हैं, और पीछे भी 2 USB पोर्ट दी हुई हैं। तो ये है अंदर से गाड़ी, और मैं कहता हूँ कि आपको ना बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं, और माइट भी ये हैवल की मार्केट तोड़ने आ गई है, और देखते हैं आगे क्या सीन होने वाला है। और मज़े की चीज़ एक और बताने लगा था, इसके अंदर आपको सेपरेट स्पेयर व्हील भी मिल रहा है, जो कि हैवल के अंदर या तो और अदर ब्रांड्स के अंदर नहीं आता। आपको स्टार्ट में ही खोल के दिखा दी थी ये ट्रंक, लेकिन अभी मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप ट्रंक ओपन करेंगे तो ये 2 सीट्स, अभी मैंने खुद ही इसको टिल्ट की है,
तो ये स्पेस भी बढ़ गई है इसकी। और बाकी आपको मैं दिखाने लगा था एसी वेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं बैक साइड पे भी हैं, और ये इसका एसी का कंट्रोल है जो कि आप बैक साइड की आराम से कंट्रोल कर सकते हैं और एसी का फुल इंजॉय कर सकते हैं बैक साइड पे भी। चार्जिंग पोर्ट इधर भी दी हुई है, तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। और हार्बन गार्डन के एंड तक स्पीकर दिए हुए हैं, आगे तक इंजॉयमेंट नहीं है, जो लास्ट पैसेंजर है उसके लिए भी फुल सपोर्ट दी हुई है यहाँ पर। तो ये है सारा सीन, और अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको स्पेयर व्हील यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको जैक नज़र आएगा जो कि कंपनी साथ ही दे रही है। और अगर आपने जैक व्हील देखना है स्पेयर, तो ये लगा हुआ है, ठीक है, तो कार के नीचे ही स्पेयर व्हील आता है। तो काफ़ी ऑप्शंस दी हुई हैं इसके अंदर, ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट है इसके अंदर और बाकी काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब कि अगर आप इंडिकेटर देते हैं तो अगर आपका अगर कोई आ रहा है तो आपका साइड मिरर पर ध्यान नहीं है तो आपको स्क्रीन पर ही बता देगा कि हाँ भाई साइड पर कोई आने वाला है तो आप गाड़ी देख के मोड़ें, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट का यहाँ पे भी लाइट दी हुई है। तो ये है सारी चीज़ें। आपको एक गाड़ी कैसी लगी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये वीडियो कैसी लगी सबसे पहले तो आपने ये बताना है, ठीक है। तो ये ना मेरा अभी थोड़ा सा स्टार्टअप था, मैं कहा यार शोरूम्स में जाके अब हम इनको भी कवर करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास नॉलेज है थोड़ा सा वो हम आपके साथ शेयर कर दें। इंजन देखना चाहते हैं, इंजन भी हम आपको दिखा देते हैं। तो अभी हम बॉनेट खोलते हैं, उसके बाद आपको इंजन दिखाते हैं। लें बॉयज, एक और प्रीमियम चीज़ नज़र आई है मुझे इसके अंदर भी, आपको हाइड्रोलिक जैक मिलते हैं। और इसका इंजन अगर आप देखेंगे तो ये GDI 1.6 है, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, और ये हाइब्रिड भी है। और लिखा हुआ है ये, जिसमें कि आप देख सकते हैं स्मार्ट स्क्रीन, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बाकी कूलेंट वगैरह जो बैटरी के होते हैं, तो इसी के साथ ही अब ये देखें ना, ये सिस्टम अब इन्होंने साथ ही दे दिए कि ये फ्यूल एवरेज को एफिशिएंट बनाने के लिए साथ ही इसकी मोटर सिस्टम दिया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली मूव करती रहती है शिफ्ट करिए। अगर आपने बैटरी पर चलना नहीं है तो ऑटो शिफ्ट हो जाएगी, अगर बैटरी को ज़रूरत है चार्जिंग की तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ करती रहती है। तो ये है इसके अंदर बेहतरीन सा फंक्शन। और अब ये वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स हाजिर है। बाकी अगर आप ये गाड़ी लेना चाहें, मैं पूछ लेता हूँ कि ये बुकिंग पे है या फिर मौके पर मिलने वाली है, अभी मैंने इनसे पता किया। और ये आपको गाड़ी अगर आप बुक करवाते हैं विद इन वन मंथ आपको ये गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। तो मतलब कि वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है और मतलब गाड़ी भी अच्छी मिल जाएगी। तो अब ये वीडियो हम यहीं तक एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, और जितना हो सके लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।